देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मऊ में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा अनुग्रह उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने अपने शिष्यों को संबोधित किया। उत्सव में रविशंकर ने राम मंदिर के विषय पर बात की और साथ ही प्रदेश में आपसी भाईचारे की बात भी कही। इस दौरान गुरु ने देश में हो रहे तमाम घोटालों से बचने और योग को अपनी दिनचर्या बनाने की भी बात कही। मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ राय को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। वही धमकी मिलने से जिला विद्यालय निरीक्षक काफी डरे हुए हैं। वही उन्होंने धमकी देने के खिलाफ उच्च अधिकारियों को पत्र भेजने के साथ ही सदर कोतवाली में तहरीर दे दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। देखिए, कल शाम को संज्ञान में आया है कि भैया उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरिया में है, वहाँ पे प्रबंधकीय विवाद था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से एक पक्ष को इन्होंने डेस ने सबुता देवी हुई है, उनका हस्ताक्षर प्रमाणित कराया था। उसको लेकर जो अभी मेरी उनसे फोन से बात हुई है, जो उन्होंने बताया कि किसी पक्ष ने उनको मोबाइल पर कुछ धमकी दी है, उनकी जो उन्होंने तहरीर दी उसके आधार पर उन्होंने पहले मुकदमा दर्ज करा दिया है और हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने उनसे कहा भी अगर आपको कोई सुरक्षा करता है तो आप मुझे मतलब से अवगत कराएं और इसमें जो भी विधि कार्रवाई होगी हम लोग कर रहे हैं। बलिया से इतनेश सिंह तोमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में मनचलो द्वारा एक छात्रा की हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला इटावा के चौबिया इलाके के भूटा गांव का है, जहां कुछ मनचलों ने बाजार से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की। छात्रा ने जब इन मनचलों का विरोध किया तो मौका पाकर छात्रा को घर में अकेला देख छात्रा की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौबिया का एक प्रकरण है जिसमें कि एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उसकी लड़की को दो लड़कों ने घर में घुस के और उसकी गला दबा के हत्या कर दी। प्रकरण में जो है वो तहरीर लोग दे रहे हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है और जांच करके आवश्यक कार्रवाई। इटावा से अनिल गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर नाजायज रिश्तों में बाधा बने अपने देवर की हत्या कर शव को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी भाभी और उसके प्रेमी सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 8-9 के आसपास हम नदी में पहुंच गए, नदी से फिर ये आ गई, इन तीनों लोग वहाँ गए, फिर इसने गला दबाया, माने पैर पकड़े, वो लड़की ने हाथ पकड़ लिए, फिर इसके बाद नकड़ी में धर दी, आग लगा दी। इस हत्या का कारण ये हो रहा है, मृत्यु हो गई प्रीतम, उनका भाभी है, भाभी का अवैध संबंध, इलीगल रिलेशनशिप, ये इलीगल रिलेशनशिप संबंध में इन्हीं लोगों का झगड़ा हो गई। उस समय बताया दुनिया से इनका मैं निकालूंगा, ऐसे बंडे बल बताया, ये ऐसे ऐसे लीड मिला, लोग ओरकोट हो गई, पूरी कन्फर्स कर रहा है, ये पूरी घटना बोल रहा है। ऐसे सुखदेवी कॉल करके बुलाया ये दोनों लोग का, सुखदेवी खुद ही उनकी वो है गला दबाया, फिर खुद ही उनका ऐसे वो लकड़ी के ऊपर डाल करके मैच बॉक्स से ये जला दिया उनका। महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट। पंजाब के मोगा में 33 साल के कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक कांस्टेबल फरीदकोट की मॉडर्न जेल में तैनात था। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल पिछले दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है। दिमागी परेशान सीगा, जो माता कदे गई भी सी, दूजा अफसोस कर रहा घरे किसी के घर वाली जनेपा कट्ट गई भी सी, चुहारे चढ़ के रस्सा कल चुका के दूजा बाहर अपने आप। पंजाब से तन्मय समानता की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। ना आख बाबला वे तिड़िया
ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में तेज रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटनाओं में दो मासूम बच्चों सहित दो सगे भाइयों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जाम खुलवाया। फतेहपुर से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी को फोन पर तीन तलाक दे दिया और पीड़िता को चार बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। बता दें कि महिला गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली है और महिला की शादी 14 वर्ष पहले धौलाना के खिचरा में हुई थी। वहीं तीन तलाक मिलने के बाद पीड़िता ने अपने चार बच्चों के साथ मिलकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे चार बच्चे हैं जी और मुझे मेरी शादी 2004 में हुई थी और जब से मेरी शादी हुई है मैं जब से परेशान हूँ और इसलिए परेशान हूँ। कभी किसी बात में कभी किसी बात मारते पीट रहे थे, फांसी भी लगाई और एक बार तेल छिड़का और नमाज पढ़ते फांसी लगाई और तभी मैंने रोल मचाई और रोल मचा के मैंने मोहल्ले वालों को सुनाई और मैंने एक बार और एफ आई आर करी तो रिपोर्ट करी थी उसमें कच्चे में तो मेरी हो गई। फिर अब हमारा केस चला उसमें भी हमारी कोई सुनवाई न हुई। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। होली के त्योहार के मद्देनजर मिलावटखोर मोटी कमाई करने के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करते हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। खाद्य विभाग के छापे से बाजारों में हड़कंप मच गया तो वहीं कुछ खोया व्यापारी अपनी दुकानों को समेटकर फरार हो गए। वहीं फूड इंस्पेक्टर विजय शर्मा ने बताया कि होली के त्योहार को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। विशेष नजर रखी हुई थी और मंडी में भी हम लोगों ने छापे मार के वहाँ से नमूने एकत्र किए हैं। आज यहाँ फतेहपुर में लगने वाली मंडी पर हम लोगों ने निरीक्षण किया। मौके से दो सभी व्यापारी फरार हो गए, टीम की आने की सूचना प्राप्त है, लेकिन एक व्यापारी से गया बरामद हुआ। लगभग 35 किलो को मिलावट के संदेह पर उसका एक समूह जो है संग्रहित किया जा रहा है। फतेहपुर से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी जिले में टिहरी विस्थापितों ने पेयजल बिल वसूली का विरोध करते हुए बिलों को जलाकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि पानी के बिलों की वसूली पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो टिहरी विस्थापित जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी और क्रमिक अनशन के लिए बाध्य होंगे। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।